ये वाला देखो, बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मेट है और ये तुमने किया भी है, ये होते हुए देखा भी है। हाँ सर, ध्यान से देखना, एक बढ़िया सा लाइव एग्जांपल देता हूं। सर बताओ, देखो क्या होता है, हमारा जो स्कूल है, अब तो खैर तुम भी पास हो गए होगे, ड्रॉपर है। हाँ सर, स्कूल के दिन तो बड़े याद आते हैं। हाँ, मैंने कहा स्कूल में क्या होता है, एक बहुत बढ़िया लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। अगर कुछ ने तो ऐसा किया भी होगा और कुछ के साथ ऐसा हुआ भी होगा, हमने भी भाई ऐसा खूब किया है और हमारे साथ भी ऐसा खूब हुआ है। क्या सर? मैंने कहा देखो, कुछ गजब टाइप के लोग बाग होते हैं। लोग बाग क्या? गजब टाइप के लड़के होते हैं, बिल्कुल हीरो टाइप के। वो ऐसे दीवाल से ऐसे हीरो की तरह टिक्के खड़े हो जाते हैं, देखेंगे नहीं देखे। हाँ सर, ऐसे मैं भी जब स्कूल में था तो ऐसे हाथ फोड़ करके ऐसे टिक जाता था स्टाइल मानने के लिए। मैंने कहा पर सर हमारे दोस्त बड़े बदतमीज थे। मैंने बोला क्यों, क्या करते थे? तो वो कहता है सर हमारे दोस्त क्या करते थे, मेरे पैरों पे ऐसे लात मार देते थे। मैंने कहा फिर क्या होता था? सर मेरे पैर, ध्यान से सुनना, मेरे पैर, क्योंकि उसने जैसे ही मेरे पैर पे लात मारी, मेरे पैर आगे जाते थे और मेरा ये धड़ नीचे आता था और धम्म से गिर जाते थे। अरे होता था कि नहीं होता था? हाँ सर, आपने किया है, आपने तो किया ही होगा, आपके साथ हुआ है? हाँ भाई बहुत हुआ है। अब खुश क्यों है? अब तो ये उदास है, पैनकेक बन गया है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो अब ये सोचो बेटा, ये सेम चीज कि जब आगे वाली, ये वाली चीज बेटा आगे चलेगी तो ऊपर वाली नीचे आएगी, क्योंकि ये कंस्ट्रेन मोशन है, बॉडी कनेक्टेड है भाई साहब। हाँ सर, उसी का एक बढ़िया सवाल, देखो अब मत करना, ऐसा नहीं कि अब कर दो ऐसा, उस टाइम पे आप बच्चे थे, आपको पता नहीं था इसलिए आप ऐसा करते थे। अब कभी भी देखो या कोई भी करे बेटा, एक उस टाइम पे तो अनअवेयरनेस थी ना, अब तो आप पढ़े लिखे हो, समझदार होते जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, हमें तब पता ही नहीं था यार इस ये चीज चोट पहुंचा सकती है। सोचो कई बार ऐसी गलती हो जाए, ये ज्यादा जोर से मार दिया, ये धड़ कहां आ गया, नीचे आ गया। बेटा ये इतना जल्दी, अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आगे, इंपल्सिव फोर्सेस पढ़ाऊंगा। बेटा इंपल्सिव फोर्सेस इतनी ज्यादा अचानक से स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, आपके दोस्त की स्पाइनल कॉर्ड में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक मजाक किसी के लिए सजा हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा ना करें, इस जस्ट एन एग्जाम्पल। स्कूल में हमें ये पता ही नहीं था, आप तो बायो के स्टूडेंट है यार, कितनी सारी नर्व जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ ही स्पाइनल कॉर्ड है यार, बिना स्पाइनल कॉर्ड के कुछ है ही नहीं। सही सही कह रहा हूं। हमारे जो स्कूल है जहां से मैं पास आउट था, वहां पे क्या होता था, एनुअल स्पोर्ट्स डे चलता था। हाँ सर, तो वहां पे हमारे एक सीनियर थे, वैसे तो खेलने में बहुत कमजोर था, कभी नहीं खेला, उस दिन पता नहीं क्या जोश चढ़ गया, एनुअल स्पोर्ट्स डे में फाइनल मैच फुटबॉल का, और उससे गलती ये हो गई कि उसने गोल मार दिया। पूरी टीम गेट सो एक्साइटेड और सब उसके ऊपर, देखा है ना कि अपन जब गोल हो जाता है सब एक दूसरे पे जंप करने लगते हैं, उस टाइम पे फाइनल मैच था, आखिरी का टाइम था, उसने गोल कर दिया, टीम सोच नहीं रहे थे कोई जीत जाएगा, सब उसके ऊपर जंप कर गए, और धीरे धीरे जब हटे तो सब हट गए थे, बस वो नहीं हट पाया था। इस तरीके से उसकी स्पाइनल कॉर्ड ये वाली दब गई थी बेटा। उनके बाद एजुकेशन भी, ट्वेल्थ वो पूरी नहीं कर पाए थे, चार पांच सर्जरी हुई थी उन लोग उनकी पीछे स्पाइनल कॉर्ड की, अभी भी बॉडी में उतना मूवमेंट नहीं है। तो आप प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी हंसी मजाक आपका छोटा भाई या आप उनके साथ करते हो तो थोड़ा ये ऐसे मजाक अवॉइड किया करो, ठीक है? आपको फिजिक्स पूरा सिखाती है। देखो अब आगे चलो,